हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन ब्यूटी ए। आज मैं शेयर कर रही हूँ हाउ आई वॉश माय हेयर प्रॉपरली। वीक में मैं एक से दो बार हेयर वॉश करती हूँ बिकॉज मेरा हेयर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप सब देख रहे हो, ये मेरा हेयर की क्वालिटी है और ये मेरा हेयर की लेंथ है। बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं मेरे हेयर। ये जो फ़ोटो है ये लॉकडाउन के पहले के फ़ोटो है, इसमें मेरा हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आफ्टर लॉकडाउन मेरा हेयर कुछ ऐसे हो गया है। लॉकडाउन के बाद से मेरा हेयर फॉल इतना हुआ कि पूछो ही मत। फिर मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ की, अलग हेयर ऑयल्स, हेयर शैम्पू यूज़ किया, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आपका भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज़ ए गुड शैम्पू फॉर योर हेयर। आई यूज़ हर्बल शैम्पू। ये शैम्पू सल्फेट फ्री है। हेयर को पहले गीला करके फिर उसमें शैम्पू यूज़ करें, डायरेक्ट शैम्पू ना यूज़ करें। अगर आप शैम्पू डायरेक्ट यूज़ ना करके पानी में डाइल्यूट करके यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ये शैम्पू यूज़ करने से इतना फोम नहीं आएगा बिकॉज़ ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। स्कैल्प को ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए, हल्के हाथों से मसाज करते हुए हेयर को वॉश करें। एंड कंडीशनर को कभी भी स्किप ना करें। यहाँ मेरा हेयर वॉश हो चुका है, मैं अच्छे से कंडीशनर अप्लाई करूँगी। ये कंडीशनर को मैं 3 से 4 बार यूज़ की। ये हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर है, इस कंडीशनर को मैं 2 से 4 बार यूज़ की। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कंडीशनर अप्लाई करने के बाद से मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। ये कंडीशनर आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी करेगा। मेरा हेयर वॉश हो चुका है, अब मैं अप्लाई करूँगी हेयर सीरम। सीरम को कभी स्कैल्प में यूज़ नहीं करना। सीरम को हाथ में थोड़ा सा रब करके फिर मैं हेयर की लेंथ पे अप्लाई करूँगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टे सेफ एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।